आज हम लोग सामाजिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। दूसरा पॉइंट है कि राजा राम मोहन राय को भारत में सुधार आंदोलन तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राजा राम मोहन राय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे? पश्चात या अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का। राजा राम मोहन राय कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? 1828 में। नेक्स्ट सवाल है, क्या ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर। नेक्स्ट पॉइंट है, क्या संविधान कौमोदी या बांग्ला भाषा तथा मिरात उल अखबार फारसी भाषा के संपादक कौन थे? डॉक्टर राजाराम मोहन राय। नेक्स्ट सवाल है, क्या किस समाज सुधार को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को। वो व्यक्ति जिसे सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंद राष्ट्र भाषा माना, दयानंद सरस्वती। वो व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्र भाषा माना, वह कौन था? दयाराम सरस्वती। किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था? राधाकांत देव। वर्ष 1867 ईस्वी में केशव चंद्र की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आत्माराम पांडुराम। नेक्स्ट सवाल है, क्या किस एक समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता? महादेव गोविंद रानडे। नेक्स्ट सवाल है, क्या वर्ष 1857-97 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? कलकत्ता में। नेक्स्ट सवाल है, स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद शिकागो में कब भाग लिया था? 1893 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल है, वर्ष 1815 ईस्वी में एकेश्वरवादी मत के प्रचार राजा राम मोहन राय ने किस संस्था का गठन किया था? आत्मीय सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्रह्म समाज के विचार को लेकर वर्ष 1865 में केशव चंद्र सेन व देवेंद्रनाथ टैगोर के मध्य विवाद हुआ। परिणाम स्वरूप केशव चंद्र सेन मूल ब्रह्म समाज से अलग हो गए और वर्ष 1866 ईस्वी में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। यही बाद में भारतीय ब्रह्म समाज कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने। राय की राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में। वर्ष 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? केशव चंद्र सेन ने। वर्ष 1839 ईस्वी में तत्वबोधनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद शिकागो में कब भाग लिया था? 1893 में। सिस्टर निवेदिता कौन थी? विवेकानंद की शिष्या, मार्गरेट नोबेल। 19वीं शोक से रहनुमाई मजदा स्नान सभा की गठित की गई तथा सभा के संदेश को पारसी भाषा तक पहुंचाने के उद्देश्य से पत्रिका राष्ट्र गुप्तार नामक पत्रिका की आरंभ की गई। दलित जातियों के कल्याण के लिए ज्योतिबा फुले ने वर्ष 1873 ईस्वी में किस संस्था की स्थापना की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। स्वतंत्रता के पश्चात मौलाना आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की।